हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिक। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं छपैक मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो ये ट्रेलर देखकर मुझे कैसा लगा वो तो अलग बात है, लेकिन जिसके ऊपर ये मूवी बनी है उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा, और क्या कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिला वो भी हम लोग बात करेंगे। साथ साथ दीपिका पादुकोण इस रोल के लिए कितनी परफेक्ट है वो भी डिस्कशन करेंगे। और एंड में और आखिरी सवाल मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि जो इस तरीके के हमले करते, यही हमला नहीं जो रेप करते हैं लड़कियों का या किसी तरीके का क्राइम करते हैं, वो किस मानसिक स्थिति के लोग होते हैं और इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। तो बस इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लक्ष्मी अग्रवाल जो न्यू दिल्ली की रहने वाली है, उनका जन्म 1 जून 1990 में हुआ था। महज 15 साल की उम्र में उन पर 32 साल के लड़के ने एसिड फेंका था। ये इंसिडेंट हुआ था 2005 में। इस इंसिडेंट के बाद लक्ष्मी ने वो कर दिखाया जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उसने ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से। शुरुआती दिनों में वो एक कोऑर्डिनेटर थी कैंपेन में, लेकिन धीरे धीरे वो उन सारी लड़कियों की आवाज बन गई जो एसिड अटैक की शिकार हुई थी। उनके कैंपेन #StopSaleAcid को दुनिया भर के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। उनकी और उन जैसे दूसरे लड़कियों के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल छपे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर की जिसमें 27,000 लोगों ने सिग्नेचर किया था कि एसिड की सेल बंद करो। लक्ष्मी अग्रवाल की एक बेटी भी है, उनके हस्बैंड का नाम है आलोक दीक्षित जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। आलोक के रोल में हमें विक्रम मैसे नजर आने वाले हैं। लक्ष्मी को 2014 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के लिए US फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा से अवार्ड मिल चुका है। इतना ही नहीं, वो NDTV की तरफ से बेस्ट इंडियन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित हुई है। हाल फिलहाल में उन्हें इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड मिला है। लक्ष्मी 2014 से एक टेलीविजन शो पर होस्ट कर रही है जिस शो का नाम है उड़ान। लक्ष्मी के वजह से कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अब एसिड बिलो 18 इयर्स के लोग नहीं ले सकते, और अबव 18 इयर्स के लोग ले गए भी तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। लेकिन लक्ष्मी की माने तो एसिड आज भी खुलेआम बिक रहा है। वैसे लक्ष्मी का खुद का एक NGO है जहां वो एसिड अटैक विक्टिम्स की हेल्प करती है। तो ये तो कुछ मैं आपको लक्ष्मी अग्रवाल जी के बारे में मेरी तरफ से बताना चाहता था। अगर आपको लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में और भी जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा है, या तो फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स का वो आर्टिकल्स देख सकते हो जहाँ पे आपको लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। तो यार दीपिका पादुकोण के बारे में, कि दीपिका पादुकोण इस रोल के लिए परफेक्ट है कि नहीं। तो यार दीपिका पादुकोण की बात करो तो यार ये वन ऑफ दी बेस्ट इंडियन एक्ट्रेस है जो एक्ट्रेस का मुकाबला कर सकती है। मैं यहाँ पर परफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक्टर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं लेकिन वो एक परफॉर्मर है, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं वो रियल में जो एक्टिंग करते हैं वो अपने किरदार को घोल के पी जाते हैं, उनको एक्टर्स बोला जाता है। और दीपिका पादुकोण कुछ ऐसी फीमेल एक्ट्रेस में से है जो बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करती है, और दीपिका पादुकोण हर लिहाज से इस रोल के लिए परफेक्ट है। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेलर देखे होंगे तो ट्रेलर में कोई भी एंगल से आपको लग रहा नहीं कि वो दीपिका पादुकोण है, आप ऐसा फील करो कि वो वाकई में लक्ष्मी अग्रवाल ही है। और जिस तरीके से उसने इमोशनल सीन्स से बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने शूट किए, और सच्ची बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि दीपिका पादुकोण के अलावा इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता था, वो एक अलग ही लेवल की एक्ट्रेस है। अब मैं आप लोगों से तीसरा और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके के अटैकर्स या इस तरीके की जो क्राइम्स करते, चाहे वो रेप हो या मर्डर हो, ये किस तरीके के लोग होते हैं, इन लोगों को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे चल के कोई भी इस तरीके क्राइम करने का सोचे भी ना। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन लोगों को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।